और दशरथ जी की आंखों में करुणा है। जिसकी आंखों में करुणा होती है उसी को भगवान दिखाई देते हैं, जिसकी आंखों में क्रोध होता है उसे भगवान दिखाई नहीं देते। इसलिए आंखों में करुणा हो, क्रोध नहीं। ये क्रोध पाप कर मूल, ये क्रोध ही तो विनाश का कारण है। क्रोध के कारण ही आज सबसे बड़ी अवनति हो रही है। उन्नति में बाधक यदि बन रहा है, विकास में बाधक बन रहा है, भगवत प्राप्ति में भी यदि बाधक बन रहा है तो हमारा क्रोध बन रहा है। इसलिए क्रोध पाप कर मूल, क्रोध से बचना चाहिए। आज नेत्रों में आंसू है, करुणा है। भगवान शिव ने जैसे ही उठाया तो दशरथ जी की आंख खुल गई। पर जैसे ही महाराज दशरथ की आंख खुली तो दशरथ जी महाराज कहते हैं, आस तोस तुम अब ढर सामने जब व्यक्ति होता है तो संबोधन किया जाता है। भगवान शिव सामने हैं, इसलिए संबोधन है, आस तोस तुम। आप कह सकते हो महाराज तुलसीदास जी ने लिख दिया, लेकिन ऐसा संभव है क्या? अरे भाई संभव है, क्योंकि दोबारा मैं फिर संबोधन किया, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव तुम प्रेरक। लेकिन तुम शब्द का संबोधन अपने से छोटे के लिए किया जाता है, लेकिन महाराज श्री दशरथ भगवान शिव के लिए तुम शब्द से संबोधित कर रहे हैं। ये बुद्धिमान के लक्षण है क्या? ये बुद्धिमान की भाषा है? अपने से बड़े को आप कहना पड़ता है कि तुम? अपने से छोटे को आप तुम कहिए, अपने से बड़े को आप कहिए। लेकिन तुम प्रेरक सबके हृदय, आस तोस तुम अवधर दानी, बार बार तुम 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 कह रहे। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, इस समय दशरथ जी की कंडीशन क्या है? व्यथित नहीं है, अति व्यथित है। और जब व्यक्ति अति व्यथित अवस्था में होता है तो सामान्य शिष्टाचार भूल जाता है। बोलो भाई, भूल जाता है कि नहीं? वो ये समझता ही नहीं है कि मुझे तुम कहना चाहिए कि आप कहना चाहिए। आपकी जगह तुम कहता है, तुम की जगह आप कहता है, क्योंकि अति व्यथित अवस्था में है महाराज श्री दशरथ। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं महाराज दशरथ, इसलिए सामान्य शिष्टाचार भूल गए। एक बात बताएं आपको, भगवान राम जैसा मातृ पितृ भक्त, लेकिन जहां चित्रकूट में भरत जी से कह रहे थे भगवान राम कि राख्यों राय सत्य मोह त्यागी, तन पर हरउ प्रेम पन लागी, तासु वचन मेटत अति सोचु, तहिते अधिक तुम्हार सकोचु। इसका मतलब है कि भरत से कहा तहिते अधिक तुम्हार सकोचु, तो भरत छोटे हैं लेकिन पिता को सम्मान भी तो दे रहे हैं। राख्यों राय सत्य मोह त्यागी, तन पर हरऊ प्रेम पन लागी। लेकिन वही भगवान राम लक्ष्मण शक्ति पर अति व्यथित हुए तो सामान्य शिष्टाचार भूल गए।
जब लक्ष्मण शक्ति पर अति व्यथित हुए प्रभु राम तो सामान शिष्टाचार भूल गए। ए जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहू तो पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहू। बोलो भाई, अति व्यथित अवस्था में है इसलिए ये भान ही नहीं है कि मैं क्या क्या रहा हूं। पिता वचन मनते मैं पिता की बात नहीं मानता। क्यों भाई? मैं पिता की बात नहीं मानता। इसमें ये अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि भगवान राम इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। तो आजकल के लड़के अगर अपने बाप के लिए बोलते हैं तो कौन सा गुनाह करते हैं? नहीं नहीं, कंडीशन पर विचार करना होगा। ये अति व्यथित अवस्था है। महाराज श्री दशरथ भी अति व्यथित अवस्था में हैं, इसलिए तुम कह करके संबोधित कर रहे हैं। तुम प्रेरक सबके हृदय सो मति राम ही देव बचन मोर तज रहन ग्रहि परिहरशील सन। बस आज राम मेरी बात न माने, अयोध्या में रह जाए, ऐसी मति राम की कर दो, यही मेरी प्रार्थना है। दशरथ जी ने कहा ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्यों नहीं, अभी अभी हो जाएगा। अब भगवान शिव के हृदय में राम जी बैठे और जैसे ही भोले बाबा ने कहा, शंकर जी ने कहा, चिंता मत करो दशरथ, धैर्य धारण करो, मैं आ गया हूँ। अरे ये तो छोटी सी बात है, अभी कह देता हूँ, अभी तुरंत कहता हूँ। भगवान राम ने हृदय में धक्का दिया, बाबा सब गड़बड़ हो जाएगा, क्या करने आ गए। हमारी 1% भी इच्छा नहीं है अयोध्या में रहने की। पिता श्री की करुणा देख करके आप अपना संतुलन खो रहे हैं भावुकता में। सारा का सारा संतुलन बिगड़ जाएगा अगर जरा सा आपने असावधानी बरती हो, भावुकता में आकर के मुझे बाध्य कर दिया और कहीं वचन दे दिया पिता श्री को, तो फिर धर्म संकट आ जाएगा राम के सामने। ये क्या सोच रहे हैं आप, वो क्या कहने जा रहे हैं? भगवान शंकर बोले, इससे अच्छा तो कैलाश ही पर्वत से नहीं आते तो ठीक थे। हम ये समझ थोड़ी रहे थे कि मामला क्या है, यहाँ तो मैं आकर के धर्म संकट में फंस गया हूँ। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि आप मेरे प्रभु हो, इसलिए अब मैं ही धर्म संकट में फंस गया हूँ, तो अब मुझे धर्म संकट से उबारो, क्योंकि मैं पिताजी के सामने खड़ा हूँ, आपके पिताश्री के सामने ही हूँ, और मैं देख रहा हूँ मनोदशा को कि अगर जरा सा मैं ये कहता हूँ कि नहीं नहीं मैं असमर्थ हूँ, तो पिताश्री के प्राण अभी निकल जाएंगे, अभी अभी। ये प्राण जो बचे हैं मेरे कारण बचे हैं कि विश्वास है कि अब भगवान शिव आ गए, हमारा मनोरथ पूरा हो जाएगा, जो मैं चाह रहा हूं वही होगा। लेकिन अब मैं आ चुका हूं, अब आप मुझे धर्म संकट से उबारो। भगवान ने कहा कि कैसे संभव, क्या होगा, कुछ सलाह दो। भगवान शिव ने कहा कि सलाह आपको कौन देगा, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, आप तो पिताजी के हृदय में प्रवेश करो और ऐसी प्रेरणा दो कि उनका जो मन है कि राम अयोध्या में रहे, वो अयोध्या में रहने वाला मन ना हो करके राम बन चले जाएं ऐसा मन हो जाए, और बाहर से मैं करता हूं कंट्रोल, अंदर से आप संभालो। बाहर से मैं पूरी कोशिश करता हूं, मन बदलने की कोशिश बाहर पे कर रहा हूं, लेकिन जब तक अंदर से प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक बाहर से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। क्यों भाई? जब भी परिवर्तन होता है तो अंदर से होता है, होता है कि नहीं होता है। बाहर कोई कितना ही प्रयास करे, चाहे जितनी कोशिश करे, लेकिन उसका शब्द अगर हृदय में प्रवेश करके परिवर्तन नहीं कराता है तो ये समझ लो कि परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए हृदय परिवर्तन तो आपके द्वारा होगा, आप प्रवेश करो, बाहर से मैं कोशिश करता हूं। भगवान राम की ये लीला अपने पिताजी के हृदय को परिवर्तित करने के लिए भगवान शिव की प्रेरणा से आज प्रवेश कर रहे हैं हृदय में,
और जैसे ही प्रवेश किया तो भगवान शंकर ने कहा, दशरथ एक बार विचार कर लो, अगर राम अयोध्या में रहते हैं तो तुम्हारा लोक भी बिगड़ जाएगा और परलोक भी बिगड़ जाएगा। दशरथ जी कहते हैं, अजस हो जग अरे सुजस नसाऊ, और नरक परों बद सुरपुर जा, भले ही मुझे नरक मिल जाए मैं नरक जाने को तैयार हूं, भले ही मुझे अपयश मिल जाए मैं अपयश लेने को तैयार हूं, लेकिन मेरा राम मेरी आंखों से ओझल ना हो, अयोध्या में ही रहे, मुझे नरक की चिंता नहीं है, अपयश की चिंता नहीं है। भगवान शंकर कह रहे हैं, धीरे से क्या कर रहे हो, असर तो बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, अंदर से कोई प्रयास जारी नहीं हो रहा क्या, यहां तो लोक परलोक को भी दांव पे लगा दिया महाराज श्री दशरथ ने। भगवान राम बोले, प्रयास कर रहा हूं लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। देखो भाई, डॉक्टर कहता है कि दवा लो दर्द ठीक हो जाएगा, अब आपने दवा ली और कहा दर्द तो ठीक ही नहीं हुआ, अरे थोड़ा असर बाद में होगा कि नहीं, धीरे धीरे दवा का असर होगा, होगा जरूर। भगवान राम ने कहा, नहीं नहीं मैं प्रेरणा दे रहा हूँ और आप चिंता मत करो, लेकिन आप बाहर से दबाव जरूर बनाए, पूरा प्रयास करें। भगवान शिव ने कहा, हे दशरथ तुमने लोक परलोक को दांव पे लगा दिया लेकिन विचार नहीं किया, एक बार तुम्हें विचार करना चाहिए, विचार नहीं किया, कोई भी कार्य करने के पहले विचार करना चाहिए, थोड़ा विचार करो, मैं कह रहा हूं विचार करो। तो देखो विचार की मुद्रा क्या है, आंख बंद हो जाती है, आंख बंद हो जाती है, ये विचार की मुद्रा है। अच्छा बोलो भाई, जब व्यक्ति आंख बंद करके विचार करता है तो अंदर जो भी होता है वो दिखाई देने लगता है कि नहीं, बाहर का दिखाई नहीं देता है, अंदर का दिखाई देता है जो विचार करता है आंख बंद करके। और जैसे ही महाराज श्री दशरथ ने आंख बंद की, भगवान राम ने एक रील फिट कर दी अंदर, महाराज दशरथ के अंदर एक रील चलने लगी। वो रील कौन सी थी, बोले सीवी ददीच हरिश्चंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। महाराज सिवी दिखाई दे गए, अरे परमार्थ के लिए अपने शरीर के हजारों टुकड़े कर रहे हैं, एक साधारण पक्षी की रक्षा के लिए अपनी स्वर्णिम काया को आज कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ये महाराज शिवी, आंखों से आंसू आ गए, प्यारे ददीच अस्त्र दान कर रहे, धर्म की रक्षा के लिए महाराज शिव भी अपने शरीर की कुर्बानी दे रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए। शरीर से प्रेम नहीं है, पत्नी से प्रेम नहीं है, परिवार से प्रेम नहीं है, संतान से प्रेम नहीं है, संपत्ति से प्रेम नहीं है, महाराज सिवी और ददीच का अगर प्रेम है तो धर्म से प्रेम है, सत्य से प्रेम है। महाराज श्री दशरथ का शरीर हिलने लगा, सोच रहे हैं दशरथ तू तो पुत्र संपत्ति परिवार इन सबसे प्रेम कर रहा है लेकिन शत्रु धर्म से दूर हो रहा है, शत्रु धर्म से दूर हो रहा है, पुत्र संपत्ति परिवार इन सबसे तेरा प्रेम।
क्योंकि परिकल्पना ये है महाराज दशरथ की कि मेरा राम सोने के पाल्ले में बैठा बैठा झूमता रहे, मेरा राम मणि जटित अंगनाई पर चलता रहे। क्यों भाई, यही परिकल्पना है ना दशरथ जी की, मेरा राम अयोध्या की चार दीवारी के अंदर रहे, अयोध्या की चार दीवारी से बाहर रह जाए, मणि जटित अंगनाई पर चलता रहे, सोने के पाल्ले में झूलता रहे, स्वर्णिम सिंहासन पर बैठा बैठा राज्य का संचालन करता रहे। बोलो यही परिकल्पना है कि नहीं? लेकिन धर्म कह रहा था दशरथ, ये राम सोने के पाल्ले में झूलने वाले राम नहीं है, हृदय के अंदर धर्म कह रहा है ललकारते हुए, ये राम मणि जटित अंगनाई पर खेलने वाले राम नहीं है, ये राम अयोध्या की चार दीवारी के अंदर रहने वाले राम नहीं है, ये राम सोने के सिंहासन पर बैठने वाले राम नहीं है। धर्म कह रहा था दशरथ, ये राम तुम्हारे अयोध्या के राजमहलों से लेकर के सबरी और निषाद की झोपड़ी तक पहुंचने वाले राम हैं, गीत का उद्धार करने वाले राम हैं, गिरवासी वनवासियों का कल्याण करने वाले राम हैं। राम को तुम अयोध्या की चार दीवारी के अंदर प्रतिबंधित मत करो, ये धर्म की रक्षा के लिए राम को जाने दो। आंखों से आंसू गिर रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे प्यारे, उसी समय भगवान शिव ने कहा, देखो भगवान राम ने असर किया कि नहीं किया? क्यों, जो रील चल रही थी उसको देख करके, उस दृश्य को देख करके दशरथ जी का हृदय बदलने लगा। भगवान शंकर ने कहा से ताराम, अब आपने क्या सोचा, राम जी अयोध्या में रहें कि अयोध्या से बाहर जाएं? बोलो। दशरथ जी बोले दो मिनट का मौका और दे दो सोचने का, दो मिनट का मौका और दे दो। शंकर जी बोले पांच मिनट का मौका दो, क्या दस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब भगवान शंकर कहने लगे प्रभु असर तो हो रहा है, नहीं तो ये मौका ही नहीं दे रहे थे, इन्होंने तो लोक परलोक को दांव पे लगा दिया था, लेकिन असर हो रहा है, वाह थोड़ा और असर हो रहा है। सोचो, कहे महाराज दो मिनट का मौका और दो, पांच मिनट ले लो, दस मिनट ले लो, ले लो मौका, दस मिनट नहीं तुम्हें तीस मिनट का मौका दे रहे, क्योंकि अभी तो छह दस ही हुआ है। सोच लो, जैसे ही दोबारा नेत्र बंद किए तो भगवान राम ने रील लगा दी हरिश्चंद्र जी वाली, हरिश्चंद्र जी वाली रील फिट कर दी। अब जैसे ही आंख बंद की तो हरिश्चंद्र जी दिखाई दे गए। अच्छा, हरिश्चंद्र जी का वो भाग इतिहास का लगाया जिसमें हरिश्चंद्र जी महाराज सिंहासन पर नहीं बैठे, हरिश्चंद्र जी महाराज काशी के बाजार में परिवार के सहित खड़े हुए, वो रील चल रही है, हरिश्चंद्र जी महाराज परिवार के सहित काशी के बाजार में खड़े हुए हैं और विश्वामित्र जी बेच रहे हैं। धर्म के कारण पत्नी बिक गई, पुत्र बिक गया और स्वयं बिक गए। बोलो किसके कारण? धर्म के कारण, सत्य के कारण। दशरथ जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। थोड़ी देर में क्या देखा महाराज दशरथ ने? थोड़ी देर में देखा कि लीला का विस्तार कहां तक ज्यादा कहूं, रोहित की लाश पड़ी है। हरिश्चंद्र जी महाराज एक डोम के यहां बिके हुए हैं, डोम ने स्मशान पर ड्यूटी दे दी है हरिश्चंद्र जी की कि तुम्हें कर वसूलना पड़ेगा। वो कर वसूलने के लिए स्मशान पर ड्यूटी दे रहे हैं हरिश्चंद्र जी। इधर लीला ये है कि रोहित की लाश पड़ी हुई है, विश्वामित्र के भय के कारण कोई रोहित के पास नहीं जा रहा है। तारा रोते रोते आई और अपने पुत्र की लाश को उठाया,
तो कफन के लिए पैसा नहीं है। उसने आंचल को फाड़ा और उस आंचल में ही अपनी मर्यादा को सुरक्षित भी किए है और आंचल के कुछ शेष भाग से अपने पुत्र की लाश को लपेटे हुए हाथों में लिए है। कोई भी साथ में नहीं जाना चाहता है स्मशान तक, क्योंकि विश्वामित्र का भय है। गरीब से गरीब का जनाजा निकलता है तो उसके शरीर पर बोलो कफन होता है कि नहीं? गरीब से गरीब का भी जनाजा निकलता है तो उसके शरीर पर कफन होता है। लेकिन दशरथ जी महाराज देख रहे एक राजकुमार की लाश जा रही है, बिना कफन के जा रही है, कोई जाने वाला भी नहीं है। माँ बेटे की लाश लेके जा रही है। इतिहास पढ़ने वालों, कभी माँ अपने बेटे की लाश लेके जाती है, माँ कभी दफन करती है बेटे की लाश को। अगर परिवार में कोई नहीं होता तो पड़ोसी जाते हैं, वो पड़ोसी भी नहीं मदद करते हैं तो कोई ना कोई गांव का सदस्य जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? दुश्मन भी ऐसी कंडीशन में दुश्मनी का त्याग कर देता है। दशरथ जी महाराज कांप रहे हैं और रोते रोते जिस समय तारा रोहित को लेके पहुंची और शव को दग्ध करना चाहती है, दशरथ जी देख रहे हैं, आंख बंद है और भगवान शंकर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। वो भवन की बात है ये। और जिस समय शव को दग्ध करने ही वाली थी उसी समय हरिश्चंद्र जी आ गए। खबरदार, बिना कर लिए शव को दग्ध नहीं करने दूंगा, मुझे कर चाहिए। तारा चरणों में गिर पड़ी और कहती है, विपत्ति में संबंध भी ठुकरा दिए जाते हैं। सामान्य संबंधों को विपत्ति में ठुकराया जा सकता है, लेकिन विपत्ति में पति पत्नी पुत्र आदि के संबंध भी ठुकराए जाते हैं क्या? आखिर ये जो विपत्ति मैंने ली है आपके कारण ही तो ली है, आपके कारण ली है ये मैंने विपत्ति। आज आप भूल गए हैं विपत्ति में मैं आपकी पत्नी हूं, ये आपके पुत्र की लाश है, पहचान नहीं रहे हो? बिना कफन की लाश आई है, कफन के लिए पैसा नहीं है, कर कहां से दे सकती हूँ? दशरथ जी महाराज रो रहे हैं, अरे ये क्या देख रहा हूं मैं, अभी तक मैंने इतिहास पढ़ा था, लेकिन दशरथ अब तो तू नेत्रों से देख रहा है। और ये दिखाने वाले कौन हैं बोलो? स्वयं भगवान राम हैं दिखाने वाले। सावधान, जब व्यक्ति अंतिम श्वास लेता है उस समय उसके सामने पाप पुण्य की रील घूमने लगती है। उस समय पत्नी भी होती है, उस समय संतान भी होती है, पड़ोसी भी होते हैं, संपत्ति भी होती है, लेकिन उस समय ना संपत्ति दिखाई देती है, ना पत्नी दिखाई देती है, ना पुत्र दिखाई देते हैं। उस समय पाप और पुण्य दिखाई देते हैं, वही नजरों के सामने घूमते हैं कि ये देखो ये मैंने पुण्य किया था, अरे ये मेरे से पाप हो गया था। देखो बोलो भाई, वही रील घूमती है कि नहीं? पाप और पुण्य की रील घूमती। उसी समय पश्चाताप होता है। दशरथ जी महाराज भी देख रहे हैं कि आज ये दृश्य कि विलख रही है तारा और कहती है कि ये पुत्र की लाश है, बिना कफन के आई है, कर कहां से दे सकती हूं जब कफन के लिए पैसा नहीं? पहचानो मैं पत्नी हूं, ये पुत्र है, क्षमा करो, प्रार्थना कर रही हूं। हरिश्चंद्र ने कहा, खबरदार मुझे भ्रमित मत करो, मुझे सत्य से दूर मत करो, मुझे धर्म से दूर मत करो। मैं जानता हूं कि तू मेरी पत्नी है, ये भी मैं जानता हूं कि ये मेरा पुत्र है जिसकी लाश सामने पड़ी हुई है। लेकिन सुन तारा, ये हरिश्चंद्र पत्नी का त्याग कर सकता है, पुत्र का त्याग कर सकता है, लेकिन सत्य और धर्म का त्याग नहीं कर सकता है, भले ही इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। दशरथ जी कांपने लगे, रोने लगे, अरे तू पुत्र के पीछे सत्य का त्याग कर रहा है,
पुत्र के पीछे धर्म का त्याग कर रहा है। आंख खुल गई। भगवान शंकर ने कहा क्या सोचा? गोस्वामी जी कहते हैं असमन गुणे, असमन गुणे। क्यों भाई, विचार किया कि नहीं किया है? गुणे का मतलब क्या है? गुणे का अर्थ क्या करोगे बोलो? असमन गुणे राव नहीं बोला, राव नहीं बोला। पहले बोल रहे थे, क्यों भाई बोल रहे थे कि नहीं? अजस हो जग सुजस नसाऊ, नरक परों पर सुरपुर जाऊं, सब दुख दुसह सहावं, ओही लोचन ओट राम जन होई। लेकिन जैसे इस दृश्य को देखा तो अस मन गुने राव नहीं बोला, पीपर पात सदस मन डोला, पीपर पात सदस मन डोला। पीपल के पत्ते की तरह महाराज का मन हिल गया, डुल गया। पीपल के पत्ते की तरह, इसका मतलब है कि पहले मन था कि बचन मोर तज रहई ग्रह परिहर सील शने। पहले मन था कि वचन मोर तज रहई ग्रह परिहर सील शने, लेकिन अब बचन बोलो, बचन मोर तज नहीं, नहीं, अब मन बदल गया है। अब मन क्या हो गया? बोले पीपर पात सरिश मन डोला, डोलने का मतलब मन बदल गया। तो मन बदलने का अर्थ है कि मैं सत्य और धर्म को स्वीकार करूंगा, पुत्र मोह को स्वीकार नहीं करूंगा। यही अर्थ है इसका, और कोई अर्थ नहीं किया जा सकता। लेकिन मौन हो गए, पीपर पात सरिस मन डोला, असमन गुने राव नहीं बोला। तो राव नहीं बोला का मतलब ये है कि दशरथ जी मौन हो गए, और जैसे ही मौन हुए तो पहले मन था दशरथ का राम अयोध्या में रहे, अब मन है दशरथ जी का कि राम बन जाएं। लेकिन मौन इसलिए है कि मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन स्वीकार का लक्षण है। हम मुखर होके नहीं कह सकते हैं, लेकिन राम वनवास में दशरथ जी कहते हैं मैं मुखर होके नहीं कह सकता हूं, लेकिन मौन स्वीकृति मेरी है, मौन स्वीकृति है। तो जब मौन स्वीकृति है तो मर क्यों रहे हैं? प्राण ही रोक ले में क्यों मर रहे हैं? बात यह है, दशरथ जी की मृत्यु का रहस्य क्या है इसको भी सुनिएगा, अभी सुनाता हूं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। दशरथ जी महाराज को अपना किया हुआ कर्म दिखाई दे रहा है। दशरथ जी महाराज को मरने के लिए दशरथ जी का कर्म ही विवश कर रहा है, क्योंकि मृत्यु के समय दशरथ जी महाराज को अयोध्या दिखाई नहीं दे रही है। दशरथ जी महाराज को कौशल्या जी भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कौशल्या जी की गोद में महाराज श्री दशरथ का शरीर है। क्यों, किसकी गोद में है? कौशल्या जी की गोद में। जब राम जी बन गए तो किसकी गोद में शरीर था? कौशल्या जी की गोद में शरीर था, पड़े हुए हैं गोद में। एक बार एक सज्जन मुझसे कहने लगे, वो बड़े धार्मिक थे और रामचरितमानस के मर्मज्ञ भी थे और बड़े प्रभावशाली वक्ता थे, तो वो कहने लगे स्वामी जी एक बात बताओ। मैंने कहा हाँ बताइए, पूछिए महाराज क्या बात है। बात ये है कि केकई जी राम को वन भेज रही हैं, लेकिन आप कहते हो कि कौशल्या जी ने भी स्वीकृति दी। यहाँ दशरथ जी की तो मौन स्वीकृति है, क्यों भाई? लेकिन कौशल्या जी की भी मौन स्वीकृति है। हमने कहा उनकी तो मुखर स्वीकृति है, मौन नहीं है, मुखर।
है बोले मुखर वाणी से कह दिया उन्होंने। हमने कहा पढ़ो पढ़ो रामायण। बोले मैंने तो बहुत पढ़ी रामायण। अरे हमने कहा एक बार और पढ़ लो, हमारे कहने से क्या दिक्कत है, हमारे कहने से एक बार पढ़ लो तो क्या दिक्कत है। कहे अच्छा आप ही बताएं, रामचरितमानस को वही मंगाया गया, रामचरितमानस को जैसे हाथों में लिया। मैंने कहा कि वो प्रसंग निकालिए, अयोध्या कांड का वो प्रसंग निकाला। मैंने कहा कि कोप भवन के बाद भगवान राम पिताश्री से आज्ञा लेने के बाद किसके पास गए, कौशल्या जी के पास गए। मैंने कहा कौशल्या जी के पास जब भगवान राम गए, अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रसंग है, वनवास के क्रम का ही प्रसंग है और आप सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जैसे ही भगवान राम कौशल्या जी के पास पहुंचे तो कौशल्या जी कहती हैं, बेटा तात जाऊं बल बेग नहाऊं, जो मन भाई मधुर कछु खाऊं। बेटा जल्दी जाओ स्नान करो, लेकिन स्नान करने के तुरंत बाद कुछ मधुर, मधुर का अर्थ है फल भी है और मधुर का अर्थ दूध भी है, दूध ग्रहण कर लेना, फल आदि कुछ ले लेना, क्योंकि आज तेरा अभिषेक होना है। और अभिषेक की परंपरा में कई घंटे लगते हैं, और बेटा तू बिना कुछ खाए अगर बैठ जाएगा अभिषेक में तो मुझे बहुत कष्ट होगा, इसलिए मेरी आज्ञा है कि स्नान के बाद मधुर कछु खाओ, दूध ले लेना, फल ले लेना, क्योंकि तुझे राजा बनना है। भगवान राम बोले माताजी मुझे राजा बनना है, लेकिन ऐसे राज्य का राजा बनना है जिसमें नहाने की कोई जरूरत नहीं है, बिना ही नहाए खाओ, बिना ही नहाए खाओ, ऐसा कौन सा राज। भगवान राम कहते हैं पिता दीन मोहे कानन राजू, और जंगल का राजा शेर होता है, शेर को किसी ने नहाते नहीं देखा, खाते जरूर देखा, क्यों भाई नहाते देखा शेर को, जल्दी बोलो, खाते देखा है। मैं ऐसे राज्य का राजा बन रहा हूं जिसमें नहाने की जरूरत नहीं है, बिना ही नहाए खाया जाता, पिता दीन मोहे कानन राजू। कौशल्या जी ने कहा बेटा जंगल का राजा, तुम तो अयोध्या के राजा बन रहे थे। हाँ बन तो रहा था, लेकिन पिताजी की आज्ञा हुई। कौशल्या जी भड़क पड़ी, भड़क गई। उन्होंने कहा राम अगर पिता ने आज्ञा दी है तो मैं भी आज्ञा दे रही हूं, जो केवल पितु अरे आयसु ताता ओ तो जन जाहू जान बड़ी माता। यदि केवल पिता की आज्ञा है तो मैं आज्ञा दे रही हूं तो जन जाहू जान बड़ी माता। बोलो ये चौपाई रामायणी की है कि कहीं इधर उधर की है। अच्छा कौशल्या जी ने ही कहा है कि और किसी ने कहा है। कौशल्या जी ने कहा बताओ, ये प्रसंग तुम्हारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। ये कौशल्या जी की जो भूमिका है और कौशल्या जी ने जो प्रस्तुति दी, उस प्रस्तुति को सुन करके आपके परिवार का संतुलन बनेगा। इसलिए कहता हूं कि एक एक शब्द ध्यान से सुनना चाहिए। वैसे आप लोग तो बहुत ही अच्छे श्रोता हो, रामचरितमानस के मर्म को भी जानते हो और सुनते हो तो मन लगा के ही सुनते हो, ये आपकी परंपरा है। और यहाँ की देवियों की विशेषता है कि ये कथा प्रेम से सुनती हैं, मन लगा के सुनती हैं। नहीं और जगह तो हम देखते हैं कि देवियों को बार बार समझाना पड़ता, कहना पड़ता है बैठो बैठो सुनो सुनो शांति 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 है, तो आवाज आती है चलो मालती चलो कांति चलो शांति। हमने कहा कांति मालती जा रही, शांति ले जा रही है, अरे शांति तो रहने दे कम से कम,
शांति तो बनी रहे, लेकिन यहाँ की देवियां तो ऐसे बैठी हैं जैसे संगमरमर की मूर्तियां दुकान में रखी हैं। ना मूर्ति हिलती है, ना डुलती है, ना बोलती है। दुकान में मूर्तियां नहीं रखी रहती संगमरमर की, वैसे ही बैठी हैं, पता ही नहीं चल रहा। नहीं, दो देवियां एक साथ बैठ जाए पता प्रदेश हिल जाता है। पता की बात, दो देवियां एक साथ बैठ जाएं शांति से नहीं बैठ सकते, और शांति से भी अगर बैठ जाएंगी तो बातचीत बंद नहीं करेंगे। कैसी हो तुम? ठीक हो? क्या करते हैं? क्या करते हैं? मास्टर हैं? अच्छा अच्छा। तुम्हारे क्या करते हैं? शराब बेचते हैं? क्या करते हैं? अरे राम राम, मास्टर बनना तो ठीक है, लेकिन शराब बेचना क्या ठीक है? सोचो जरा। अच्छा, तुम्हारे लड़के कितने हैं? हमारे तो दो लड़के हैं, पूरे पढ़ाई पर ध्यान दिया। अच्छा, क्या बन गए वो दो लड़के? बोले एक डॉक्टर बन गया, एक को मास्टर ही बना दिया। मास्टर के घर में मास्टर हो गया एक, और एक डॉक्टर बन गया। अच्छा अच्छा, तुम्हारे लड़के कितने? बोले हमारे तो हैं आठ। आठ? हाँ। करते क्या हैं? बोले चार हैं सेंट्रल जेल में और चार हैं फरार। क्यों भाई, ये विडंबना, ये विडंबना। परिवार कैसे संस्कारी होगा? समन्वय की भूमिका कैसे बन सकती है? सामंजस्य कैसे बन सकता है? संतुलन कैसे बन सकता है? ये कौशल्या जी के प्रसंग से शिक्षा लो। कौशल्या जी का प्रसंग बहुत ही मार्मिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। कौशल्या जी ने कहा, रुको, मेरी बात मानो। जो केवल पितु आयु सुताता तो जन जाहू जान बड़ी माता। बेटा, माँ की आज्ञा पिता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कह रही हूं मत जाओ, मत जाओ। भगवान राम के सामने धर्म संकट आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? जाना चाहते हैं वन। केकई मां ने बहुत प्रयास किया तब भगवान राम को किसी तरह से वन भेजने का मार्ग प्रशस्त किया। बहुत प्रयास किया, कलंक लिया, तमाम प्रकार की विडंबनाएं सुनने को मिल रही हैं, लेकिन वन भेजने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। लेकिन वन रोकने का मार्ग, बोलो, वन में एक अवरोध पैदा कर रही, एक दीवार खड़ी कर रही है। कौन? कौशल्या जी। मत जाओ, मैं मां हूं, मेरा अधिकार है, तो जल जाओ जान बड़ी माता। याद रखना, उसी समय भगवान राम ने हिम्मत करके एक बात कही, माता जी, अगर पिताजी के साथ माने आज्ञा दी हो तो ये कहना चाहिए था कौशल्या जी को कि माँ तो मैं हूं, जन्मदात्री माँ तो मैं हूं, मैंने तो नहीं कहा। और कौन माँ कह रही है? और अगर कोई और माँ कह रही है तो अपने बेटे को भेजे, मेरे बेटे पर क्या अधिकार है? लेकिन याद रखना, कौशल्या जी अपने में केकई और सुमित्रा में कोई भेद नहीं मानती हैं। घर में जितनी महिलाएं हों, आपस में भेद मत रखना। ये जरूरी नहीं है कि वहां सौतेलेपन का व्यवहार हो। अरे जिठानी होती है, देवरानी होती है, क्यों भाई? संबंध कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपस में समन्वय बना के चलना चाहिए। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि भोजन में विभाजन की प्रक्रिया हो जाए, कि चलो भाई रसोई अलग अलग, परिस्थिति है कोई बात नहीं, रसोई अलग अलग हो सकती है, मकान में अगर दीवार भी खड़ी हो गई तो वो भी ढह सकती है,
क्यों भाई? डह सकती आज खड़ी हो गई कल उसको डहाया जा सकता है, लेकिन हृदय के अंदर विरोध की दीवार अगर खड़ी हो गई तो केवल स्मशान घाट पर वो डहाई जाएगी। विरोध की दीवार खड़ी नहीं होना चाहिए, और विरोध की दीवार को रोकने की क्षमता यदि सनातन धर्म की परंपरा में किसी ग्रंथ में है तो वो रामचरितमानस में है। इसलिए रामचरितमानस को घर घर में होना चाहिए, वो घर घर में पाठ होना चाहिए। वो अर्थ सहित पढ़िए आप, अर्थ सहित नीचे जो अर्थ दिया है उसको भी पढ़िए आप, लेकिन होना चाहिए रामायण घर घर में होनी चाहिए। आज देखिए आप यहां कौशल्या माने जो संतुलन बना के बात की, वो जो संतुलन दिया वो बड़ा प्रेरणादायी है। भगवान राम कहते हैं कि यदि माने भी आज्ञा दी हो तो, कौशल्या जी ने कहा बेटा माने आज्ञा दी है क्या? हाँ हाँ, कौन सी माने दी आज्ञा? कहा केकई माने। अच्छा अच्छा, केकई माने आज्ञा दी। आंखों में आंसू आ गए, कहा बेटा एक बार मेरे हृदय से लग जाओ। भगवान राम को कौशल्या माँ ने हृदय से लगा लिया और अपना हाथ रख दिया। एक हाथ से राम को हृदय से लगाए हुए हैं और दूसरा हाथ राम के मस्तक पर रखे और कहती हैं जो पी तुमातु कहे वो बन जाना, यदि पिता के साथ माँ की आज्ञा है तो बेटा जहां भी वन में तुम रहोगे मेरा आशीर्वाद है कि वो वन 100-100 अयोध्या के समान सुख प्रदान करेगा तुम्हें, जाओ मेरा आशीर्वाद। बताओ भाई कौशल्या जी के द्वारा विरोध हुआ? विरोध हुआ क्या? आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला राम जी को? जल्दी बोलो, क्या कौशल्या जी ने केकई जी का विरोध किया? जबकि महाराज दशरथ की बात आई तो तमतमा पड़ी कि जो केवल पितुवायु उस्ताता तो जन जाओ मत जाओ। कौशल्या जी केकई जी और कौशल्या जी आपस में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं मानती। वो मंत्रा की जो प्रस्तुति है वो प्रस्तुति केकई का बहिरंग स्वरूप है, उसमें बहिरंग स्वरूप है, लेकिन अंतरंग स्वरूप जो कौशल्या का और केकई का है वो यही है। बोलो है कि नहीं? ये अंतरंग स्वरूप है। अब देखिए आप, एक और धर्म संकट आया कौशल्या जी के सामने, यहीं पर आया। हाथ रख दिया राम जी के मस्तक पर, आशीर्वाद दे रही है जाओ बेटा जाओ जाओ। तो कानन सत्य अवध समाना, ये तो एक अयोध्या 100-100 अयोध्या के समान सुख मिलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। माँ बाप से संपत्ति लेने की चाहे मत रखो, माँ बाप से आशीर्वाद लेने की चाहे रखो। बोलो भाई, संपत्ति लेने की चाहे रखोगे उसमें एक सीमा है। बोलो है सीमा की नहीं? लेकिन आशीर्वाद अगर मिल जाएगा तो याद रखना अपरिमित संपत्ति तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। आशीर्वाद में बड़ी ताकत है, इसलिए संपत्ति लेने की चाहे माँ बाप से नहीं करना चाहिए, आशीर्वाद लेने की चाहे करना चाहिए। मैं कहता हूं भगवान राम को आशीर्वाद से जो मिला क्या वो अयोध्या की संपत्ति दे पाती? अयोध्या की संपत्ति केवल राम को अयोध्या नाथ बना देती,
लेकिन आशीर्वाद रूपी संपत्ति ने राम को विश्वनाथ का भी नाथ बना दिया है। यह है आशीर्वाद की ताकत। बोलो, विश्वनाथ का भी नाथ बना दिया कि नहीं? राम को विश्वनाथ के भी नाथ अगर हैं, तो वो कौन है? भगवान राम है। आज सुनिए ध्यान से, एक और बहुत बढ़िया